नमस्कार, मैं रिया, नवी मुंबई उल्वे न्यूज में आपका स्वागत है। एक गर्मा गर्म कर बात सामने आ रही है। स्कूल की प्रिंसिपल हैरान है कि स्कूल में आज तक ऐसा नहीं हुआ तो अब क्यों हो रहा है। उन्होंने सारे आरोपों का खंडन किया है और कहा है कि हमने बच्चों को निकाला नहीं है। गर्माया विद्यार्थियों पर स्कूल की कार्यवाही का मुद्दा, हिंदू संगठनों ने किया प्रदर्शन। नवी मुंबई के सेंट लॉरेंस स्कूल प्रशासन पर आरोप लगा था कि जय श्री राम के नारे लगाने पर विद्यालय प्रशासन की तरफ से कार्यवाही की गई है, जिसके पश्चात आज सुबह मनसे समेत कुछ हिंदू संगठनों ने स्कूल के बाहर प्रदर्शन कर विद्यार्थियों को वापस लेने की मांग की थी। अब स्कूल की तरफ से सफाई दी गई है कि हमने उन चार विद्यार्थियों पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की थी, न कि किसी भी प्रकार के धार्मिक नारे लगाने के चलते। वो बच्चे कॉरिडोर से नारे लगाते हुए शौचालय गए थे, उस समय स्कूल में कक्षाएं चल रही थी। उनके इस शोर शराबे का असर बाकी के बच्चों की शिक्षा पर पड़ा, इसलिए उनके ऊपर कार्रवाई की गई। वो भी उनके अभिभावकों को हिलाकर पूरी घटनाक्रम समझाया गया था। वो सभी बच्चे हमारे हैं, हम उनका साल बर्बाद नहीं होने देंगे। बच्चों के माँ बाप को बताना हमारा कर्तव्य था जो हमने किया, स्कूल के प्रिंसिपल ने स्पष्ट करते हुए कहा। देखते रहिए नवी मुंबई उल्वे न्यूज। मंडे को एक किस्सा हुआ है कि बच्चे रिसेस के टाइम पे जोर से चिल्ला रहे थे, जिसके वजह से हम लोगों ने डिसिप्लिन एक्शन लिया है। पेरेंट्स को बुलाए थे, चार बच्चों का पेरेंट्स आए और ये चिल्लाने के वजह से इट इज मैटर ऑफ कंसर्न बिकॉज ऑफ द इनडिसिप्लिन। दैट इज वाई वी हैव कॉल्ड द पेरेंट्स एंड मेंशन टू देम दैट दिस काइंड ऑफ बिहेवियर इज नॉट एक्सेप्टेबल। मैडम, यहाँ पे जो आरोप है वो लगाया गया है कि मनसे के तरफ से कि ये जो बच्चे थे उनको रेस्टिकेट कर दिया है, एक्चुअली क्या हुआ है और उनका भी डिमांड क्या है? रेस्टिकेट ये वर्ड मैंने यूज नहीं किया है, ना सस्पेंड ये वर्ड यूज किया है। पेरेंट्स को यही बोला है कि आप लोग जरा पता कीजिए इन्होंने क्यों ऐसा चिल्ला के दिया। कभी ऐसा होता नहीं है स्कूल में, लेकिन मंडे को जब हुआ है ऐसा डिसिप्लिन एक्शन आई हैव टू टेक। मैम, क्या एक्शन लिया? मैं उनको बुलाया, बात किया, विदिन 3 डेज यू हैव टू कम विद योर पेरेंट्स। नहीं, ये वर्ड यूज नहीं किया है, ना ही रस्टिकेट किया करके मैंने यूज किया। कितने बच्चे चार उन्होंने कुछ जय श्री राम की घोषणा चार बच्चे थे जो उसमें है, जय श्री राम की पेरेंट्स आए थे, वही जय श्री राम की घोषणा बाजी की। मैं ऐसा हम लोग सुने नहीं है, एकदम जोर जोर से चिल्ला रहे थे एंड इट वॉज एन अनयूजुअल वे ऑफ स्क्रीमिंग। नॉर्मल नहीं था, अनयूजुअल वे था, जिसके लिए हमने सिर्फ ये घोषणाबाजी थी या फिर ये हंगामा भी किया था यहाँ पे? जैसे कि नहीं, उन बच्चे ने एकदम जोर से चिल्ला के कॉरिडोर से दौड़ के वॉशरूम के अंदर गए। अभी चिल्लाया, इतना जोर से चिल्लाना स्कूल फंक्शनिंग में है और ऐसा कभी आज तक हुआ नहीं है। और ये बच्चे ने क्यों किया है ये इट्स बियॉन्ड आवर कॉम्प्रिहेंशन, सो दैट इज व्हाई इट हैज टू बी टोल्ड टू द पेरेंट्स। इसके लिए हमने पेरेंट्स को बुलाया। अभी जो मनसे की मांग है वो उन्होंने मांग की है कि मतलब स्कूल के बच्चों को वापस लेने के लिए। आपका क्या स्टैंड है सर? अभी आपका क्या स्टैंड है और आपके तरफ से? वी आर कॉलिंग सर, वी हैव आवर इंटेंशन इज नॉट टू क्रिएट एनी प्रॉब्लम फॉर द चाइल्ड। चिल्ड्रन आर आस लॉरेंस के बच्चे हैं, हम उनको उस हिसाब से ट्रीट करें। आज तक ऐसा कुछ हुआ नहीं। मैम, कौन से स्टैंडर्ड के बच्चे हैं? 10। सेंट लॉरेंस स्कूल ने 6 बच्चों को जय श्री राम की घोषणा दी, इसके वजह से स्कूल से बाहर निकाला गया था, स्कूल से निलंबन किया था। हमारी यही मांगनी है कि वो बच्चों को स्कूल में वापस लिया जाए और स्कूल प्रशासन माफ़ी मांगे। अभी टीचर ने क्या आश्वासन दिया? स्कूल के प्रिंसिपल ने हमें आश्वस्त किया है कि हम लोग स्कूल से तरफ के पत्र निकाल के माफी मांगेंगे और वो सब बच्चों को आज से स्कूल में लिया जाएगा। लेकिन प्रिंसिपल का कहना है कि उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं था, खाली वार्निंग दिया था। जो बच्चे चिल्ला रहे थे तो 3 दिन से वो बच्चों को घर पे बिठाया है स्कूल ने। अगर उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की है तो 3 दिन से बच्चे घर पे क्या कर रहे हैं? यही हमारी मांगनी है और स्कूल सबको बच्चों को वापस स्कूल में लिया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, नवी मुंबई उल्वे।